हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही कॉमन हैबिट्स के बारे में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि पांच कॉमन हैबिट्स जो आपको यूज़ करनी चाहिए, आपके अंदर ये हैबिट्स होनी चाहिए जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जब भी आप कभी घर से बाहर निकलें तो आपको ये पांच हैबिट्स का ज़रूर ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करेंगे। देख लेंगे कि किस तरीके से क्या क्या ऐसी गुड हैबिट्स हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए, जिससे आप अट्रैक्टिव और कॉन्फिडेंस फील करो। तो चलिए दोस्तों, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो जल्दी से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जो कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो लेट गेट स्टार्टेड। दोस्तों, गुड हैबिट्स की बात करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन गुड हैबिट्स हैं जो आपको आपके साथ जो मैं शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। हर कोई, बहुत लोग फॉलो भी करते होंगे, कुछ लोग फॉलो नहीं करते हैं, उसके लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ। सबसे टिप नंबर वन की मैं बात करूँ जो गुड हैबिट है, वो है दोस्तों आपको नेल्स, हमेशा आपके नेल्स क्लीन रखने चाहिए। जैसे कि हम घर पे काम करते हैं, काम करते टाइम पे क्या होता है, हमारे जो नेल्स हैं उसमें येलो येलोपन आ जाता है, पीलापन आ जाता है, उसे लेके अगर हम घर से बाहर जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गंदे दिखते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम घर पे किचन में काम करते हैं या सब्जी वगैरह काटते हैं, उससे भी हमारे जो नेल्स हैं, हैंड है, वो क्या हो जाते हैं, काले पड़ जाते हैं। तो जब भी आप घर से स्टेप आउट करें तो आपको अपने नेल्स को क्लीन कर लेना है। आपके घर में, हर किसी के घर में नींबू होगा, तो नींबू से आप इस तरीके से रब कर सकते हो। रब करने से भी आपका जो नेल्स का जो येलोपन है, ब्लैक है, वो आपके क्लियर हो जाते हैं। और नेल्स को भी टाइम टू टाइम आपको कट करते रहना है। अगर आपको नेल्स बढ़ाने का शौक है या फिर नेल पेंट लगाने का शौक है, तो आपको हमेशा नेल पेंट कम्प्लीटली लगी होनी चाहिए। अगर आधी लगी है और आधी निकली है तो वैसे लेके आप बाहर ना जाएं किसी के सामने, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं, वो सामने वाला आपको जज करता है। तो इसीलिए अपने आप को नीट एंड क्लीन रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आपको ये सारे जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो गुड हैबिट्स आपको फॉलो करने चाहिए जब भी आप घर से स्टेप आउट करते हैं या किसी से मिलने जाते हैं। तो ये पहली गुड हैबिट ये है कि आपको अपने नेल्स को क्लीन करते रहना है टाइम टू टाइम, और आपको नेल्स को हमेशा जो येलो रहते हैं उसको आपको घर से बाहर निकलने से पहले आपको क्लीन करके जाना है। और उसके बाद सेकेंड जो गुड हैबिट होती है दोस्तों, वो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, अपने ईयर को, हमेशा अपने ईयर को आपको क्लीन करके रखना है। आपको एवरी डे अपने ईयर को क्लीन करना है। आपको, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डेली आप ईयरबड्स लीजिए और ऐसे ऐसे करते रहिए, जी नहीं। आपको बेसिकली जब आप नहा के आते हो या फिर जब नहाते हो, शावर लेते हो, तो अपने जो टॉवल होती है या उससे आप अपने कान को क्लीन कर सकते हो अच्छे से, क्योंकि आप डेली बाहर जाते हो, काम करते हो, तो जो भी डर्ट पल्यूशन गंदगी होती है वो आपके कान में जम जाती है। तो आपको तो दिखती नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम बाहर जाते हैं और हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हमें वो विजिबल होता है, इतना ज़्यादा गंदा। अगर आप डेली क्लीन नहीं करते हो तो वो बहुत धीरे धीरे वो ज़्यादा डर्ट हो जाएगा, और आपको जब भी आप किसी से मिलते हो या फिर किसी से बात करते हो तो वो आपके नोटिस करता है कि आपके ईयर गंदे हैं और आपको जज करता है। तो ये चीज़ का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। और उसके बाद दूसरी हैबिट की बात करते हैं दोस्तों, कि आपको अपने आईब्रोज को हमेशा ट्रिम करके रखना चाहिए। आप सब जानते हो कि आईब्रोज ट्रिम करने के बाद या आईब्रो बनवाने के बाद हमारे फेस का जो लुक है वो चेंज हो जाता है, हम बहुत ज़्यादा थोड़े से सुंदर लगने लगते हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी फील करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो आईब्रो है टाइम टू टाइम ट्रिम होनी चाहिए। ट्रिम करने के लिए दोस्तों, या फिर आईब्रो बनवाने के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि आप हर बार थोड़े से भी आईब्रो हो गए या फिर थोड़े से भी हेयर्स हो गए तो आप बार बार पार्लर जाएँ। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक ट्रिमर आपके पास
आजकल मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे ट्रिमर अवेलेबल हैं, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। नहीं तो एक प्लकर ले लीजिए, प्लकर भी 10 से 20 रुपए में आता है प्लकर, जो कि आपके जो आईब्रो के ऊपर के बाल तो इतने नहीं विजिबल होते, जो नीचे के बाल होते हैं वो बहुत ज़्यादा विजिबल होते हैं, वो जो गंदे भी दिखते हैं, आपके लुक को ख़राब भी करते हैं। तो जब भी आपको जैसे होता है कहीं हम जा रहे हैं और हमारे पास पार्लर जाने का टाइम नहीं है, तो आप प्लक कर लीजिए, और प्लक कर से जो हेयर्स हैं वो आराम से आप प्लक कर सकते हो। तो वो भी आप ये हैबिट में भी आप ला सकते हो कि आप जब भी बाहर जाते हो तो अपने आईब्रोज को मतलब ट्रिम करके जाएं। तो ये बहुत ही अच्छी गुड हैबिट्स होती है कि आप अपने आप पे ध्यान दो। और उसके बाद बहुत ही कॉमन सी है कि जिसके भी हर किसी के साथ नहीं होता है, किसी के नोज़ के हेयर्स भी थोड़े से बड़े होते हैं जो कि विजिबल होते हैं, क्योंकि आप किसी से बात कर रहे होते हो उनको वो दिख रहा होता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं। तो आप चाहो तो अपने नोज़ के हेयर्स को भी ट्रिम कर सकते हो, ट्रिमर यूज़ कर सकते हो। जिसको वैक्स कराना पसंद है वो वैक्स करा सकता है, बट पर्सनली वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है तो मैं वो सजेस्ट नहीं करूँगी, लेकिन आपके पास अगर ट्रिमर है या फिर कुछ भी है तो उससे आप ट्रिम कर सकते हो नोज़ के हेयर टाइम टू टाइम, क्योंकि जब भी आप बाहर जाते हो तो वो विजिबल होते हैं। ये हर किसी के लिए होते हैं, जिनके होते हैं उनको कर लेना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों दूसरे टिप की बात करें वो है ब्रश योर टीथ। आप जब भी कभी भी आप घर से बाहर जा रहे हो, किसी से स्पेशली मिलने जा रहे हो, तब क्या करना है, आपको अपने टीथ को अच्छे से ब्रश करके जाना है। जी हाँ, आप सुबह शाम ब्रश करते होगे, लेकिन जब भी हम कभी कहीं फ्रेंड के साथ जा रहे हैं या फिर कभी भी ऐसा होता है कि हमें बाहर जाना पड़ जाता है किसी से स्पेशल मिलने के लिए या फिर कहीं बाहर जाने के लिए, तो हमें अपने टीथ को ब्रश करके जाना चाहिए। क्योंकि कभी कभी होता है कि हम बाहर जाते हैं और हमें ऐसा फील होता है कहीं हमारे माउथ में से बैड स्मेल तो नहीं आ रही है, हम बात करने में कॉन्फिडेंस फील नहीं करते हैं, हमें मतलब थोड़ा सा मन में अजीब सा होता है, तो उसको वो ना हो इसीलिए आप जब भी बाहर जाओ तो अपने अपना जो टीथ है उसको क्लीन करके जाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी फील होगा और आपको ऐसे ऐसे वैसा ख्याल जो ख्याल है आपके मन में नहीं आएंगे कि मेरे मुंह में से कहीं बैड स्मेल तो नहीं आ रही है। तो ये चीज़ आप फॉलो कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो लास्ट एंड फाइनल टिप जो आपके साथ शेयर करूँगी वो है, आप जब भी बाहर जाएँ तो अपने पास एक बहुत ही अच्छा फ्रेगनेंस लगा के जाएँ। फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, परफ्यूम लगाइए, रोल ऑन लगाइए, मिस्ट लगाइए, जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो यूज़ कीजिए, लेकिन आप जब बाहर जाते हो तो आप कुछ ना कुछ यूज़ कीजिए, क्योंकि गर्मियों के टाइम में और जिनको ज़्यादा स्वेट आता है उनको बहुत ज़्यादा ये दिक्कत होती है कि हम कहीं जाते हैं और हम कुछ कुछ लोग तो ऐसे होते हैं इतने स्वेट आता है कि हम परफ्यूम लगा के तो जाते हैं लेकिन बाहर जाने के बाद वो बैड स्मेल करता है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, जब भी आप बाहर जाओ तो परफ्यूम लगा के ज़रूर निकलिए, या फिर आपको परफ्यूम लगाना पसंद है तो आप परफ्यूम लगा सकते हो, रोल ऑन लगाना पसंद है रोल ऑन लगा सकते हो, या फिर आपको मिस्ट लगाना पसंद है वो भी लगा सकते हो। तो आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप बाहर जाओ तो कुछ ना कुछ लगा के जाओ कि भीनी भीनी खुशबू आपके मतलब बॉडी में से आनी चाहिए, कि बाहर कहीं किसी से मिल रहे हो या किस कहीं मार्केट जा रहे हो तो किसी को ऐसा ना लगे कि छी ये कौन है ये बैड स्मेल आ रही है, ठीक है, ऐसा किसी को फील नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आप भी खुद भी कॉन्फिडेंस फील करोगे बाहर जाने में और आपको भी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों ये थी सारी टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, आपको अच्छी लगी हैं, कैसी लगी हैं, आप कौन कौन फॉलो करता है ये सारी टिप्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये बहुत ही कॉमन और बेसिक मैन हैबिट्स हैं, गुड हैबिट्स हैं, जो आपके आपको अट्रैक्टिव दिखाती है, आपको आपको हाइजीन रहना है, आपको हाइजीन रहेंगे तो हाइजीनिक रहना बहुत ही ज़्यादा गुड हैबिट होता है जो आपको फॉलो करना ही चाहिए। तो ये थी मेरी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा जो कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तब तक मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।